Hello everybody, welcome to my channel Tansuman Classes. And 6th class, today we read our science book and components of food, chapter number 1. तो हमने जैसा कि फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमने कैसे कैसे टेस्ट कर सकते हैं, हम कैसे फूड आइटम को टेस्ट कर सकते हैं कि उनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, तो आज हम पढ़ेंगे कि जो न्यूट्रिशन है वो हमारी बॉडी को किस तरीके से मिलता है. अब वेरियस न्यूट्रिशन है जिनकी हमारे शरीर को ज़रूरत होती है. सो बिफोर वी रीड दिस टॉपिक, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. यानी आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको और आगे फ्यूचर में वीडियोस मिले, और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो. सो टुडेज टॉपिक इज व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिशन डू फॉर आर बॉडी. यानी जो वेरियस न्यूट्रिशन है, अलग अलग विभिन्न विभिन्न जो न्यूट्रिशन होते हैं वो हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करते हैं. अब हमारे जो शरीर है वो उसे बहुत सारे न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है. मामा बोलती कि चपाती भी खाइए, राइस भी खाइए, दाल भी खाइए, प्रोटीन भी लीजिए, है ना, और साथ ही साथ में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी खाइए. अब मामा अगर इतना सब कुछ क्यों बोलती है, बिकॉज शी केयर अबाउट यू, है ना, उनको बड़ा चिंता रहती है आपके खाने की. अगर आप अच्छे से खाना खाएंगे तो आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ जो होती है बेटा, वो दोनों चीज़ अच्छी रहती है. लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ न्यूट्रिशन की कमी होती है तो हमारी जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं रुकता है, और जो मेंटल हेल्थ होती है वो भी इम्पैक्ट पड़ता है. अब उसमें किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. हम पहले ये पढ़ते हैं कि जो न्यूट्रिशन हम लोग लेते हैं हमारे खाने में, जो हमें अलग अलग वैरायटी का खाना अगर हम खाते हैं तो उनसे कौन कौन से न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में मिलते हैं. सो वी मेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, है ना, कि मामा अलग अलग खाना बनाती. क्यों? क्योंकि हम एक ही तरीके का खाना खा के बोर हो सकते हैं, है ना. तो वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट, यानी हमें अलग अलग टेस्ट का खाना खाना है. तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है बेसिकली प्रोवाइड एनर्जी, यानी जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे शरीर को एनर्जी देता है. और एनर्जी किस काम आती है? एनर्जी हमारे काम करने में काम आती है, ठीक है. लेकिन कार्बोहाइड्रेट के साथ जो फैट्स होते हैं, चिकनी जो चीज़ें होती हैं, उनमें भी एनर्जी होती है. और ये दोनों ही हमारी बॉडी को क्या देते हैं? फूड कंटेन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, और ऑल्सो कॉल्ड द एनर्जी गिविंग फूड. यानी मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट और जो फैट होते हैं ये दोनों ही हमारे शरीर के लिए ज़रूरत होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही हमें क्या देते हैं? ये दोनों ही हमें एनर्जी देते हैं जिससे कि हम काम करते हैं, ठीक है. अब हम तो बहुत सारे काम करने हैं, तो बहुत सारे अगर हमें काम करने हैं तो हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी खानी पड़ेंगी, जैसा कि फिगर नंबर 1.3 में दे रखा है. अब आप ये देखिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं. बाजरा है, राइस है, वीट है, गेहूं जो होता है, स्वीट पटेटो जो शकरकंद होती है, पटेटो यानी आलू है, शुगर केन जो कि आपके गन्ना है, पपाया है, मेलन है, मैंगो है, मेज़ है, ये सब अगर हम खाते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है. लेकिन अगर फैट की बात करें ऑन द अदर हैंड, तो फैट बेटा हमें दो तरीके से मिल सकता है. एक तो हमें प्लांट से मिलता है और दूसरा हमें एनिमल से मिलता है. अब जो प्लांट से मिलने वाले फैट हैं, जो कि तेल होते हैं, जो कि मामा यूज़ करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड में, यानी अलग अलग खाने को पकाने में, फ्राई करने में मामा यूज़ करती है घी का और साथ ही साथ में तेल का. अब जो ये तेल मिलता है वो हमें कहाँ से मिलता है? तो वो हमें प्लांट से मिलता है, जैसा कि ग्राउंडनट है, है ना. ग्राउंडनट यानी आपकी मामा जो मूंगफली यूज़ करती है ना किचन में, मूंगफली का तेल, ठीक है. सनफ्लावर का तेल है ना, जो कि हमें सनफ्लावर से मिलता है. मस्टर्ड ऑयल जो कि हमें सरसों का तेल कहलाता है. कोकोनट ऑयल जो नारियल का तेल होता है. सोयाबीन ऑयल जो हमें सोयाबीन से मिलता है. लेकिन हमें कुछ तेल जो होता है वो नट्स से भी मिलता है. अब नट्स कौन से? अमन ड्रॉप का अपने नाम सुना होगा, जो कि अमन से बनता है, यानी बादाम वाला तेल, ठीक है. अब सिसमी सीड्स होते हैं जिनके कि हम तिल बोलते हैं, इसका भी तेल हमें खाना चाहिए क्योंकि ये शरीर को बहुत गर्माहट देता है. और बेसिकली हम लोग कब खाते हैं? सर्दियों में, क्योंकि उस टाइम हमें शरीर में गर्मी की ज़रूरत होती है. अब अगर हम दूसरी तरफ बात करें, वो खाना जो कि किससे मिलता है, जो कि फैट हमें मिलता है एनिमल्स से. अब एनिमल्स से तो हमें बहुत कुछ मिल रहा है, जैसा कि मीट है, फिश जो होती है, घी है, मिल्क है, बटर है, क्रीम है, ये
ये सब हमें किससे मिलता है, एनिमल सोर्सेस से मिलता है। अगर हम बात करें कि हमें जो फैट हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, तो वो क्या देते हैं हमें, फूड एंड कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी टू आर बॉडी, और एनर्जी जो होती है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, तो हमने इसको क्या कह दिया, एनर्जी गिविंग फूड। लेकिन जो प्रोटीन है वो भी बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए, और वो क्यों ज़रूरी है, बिकॉज प्रोटीन बेटा हमारे शरीर के ग्रोथ करता है और हमारी बॉडी को रिपेयर करता है। अब रिपेयर किस तरीके से करेगा, आप ये देखिए जो फूड आइटम होते हैं, यानी ये कहलाएंगे बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी अगर हम इन चीज़ों को खाते हैं तो हमारे शरीर में ग्रोथ जल्दी होता है। बच्चों को तो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उनको हाइट लेनी होती है, उनको बढ़ना होता है, उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उनकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। तो सुबह सुबह मम्मा आपको स्प्राउट्स देती हैं, है ना, वो क्यों देती हैं, ताकि आप हेल्दी रहो, उनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि पी है, मटर है, ग्राम जो चना होता है, मूंग है, तुअर दाल जो मामा आपको बना के देती है, बीन्स होते हैं, सोया बीन्स होते हैं, है ना, तो ये मामा आपको आपके प्रोटीन के लिए देती है। और इसी में अगर हम एनिमल सोर्सेस को शामिल करें तो इसमें डेयरी प्रोडक्ट शामिल होते हैं, जिसमें कि हम मिल्क है, फिश है, पनीर है, मीट है, इन सबको हम इंक्लूड करते हैं, इन सबको हम शामिल करते हैं। अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी मिलेगी और साथ ही साथ हमारे जो शरीर है उसको ग्रोथ प्रॉपरली मिलेगी। तो अगर हम प्रोटीन वाली चीज़ें खाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी प्रोटीन से जो भी चीज़ें बनती हैं उनको हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। ये हमारी ग्रोथ और हमारी बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करती है। अब विटामिन जो होते हैं वो हमारे शरीर को प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें ताकत देते हैं, और किससे ताकत देते हैं, लड़ने की डिजीज़ से, यानी अगर हम कभी बीमार होता है, कोई बच्चा अगर बीमार होता है तो उसको क्या चाहिए, उसको डॉक्टर बोलते हैं कि खूब सारे विटामिन्स वाली चीज़ें खाओ, बहुत सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओ और आप फ्रूट्स खाओ, क्यों, क्योंकि ये हमारी बॉडी को डिजीज़ बीमारियों से बचाते हैं। तो जो विटामिन्स होते हैं वो हमारी आइज़, हमारी आँखों के लिए, हमारी बोन्स, हमारे हड्डियों के लिए, टिथ हमारे दांतों के लिए, और गम्स यानी हमारे मसूड़ों के लिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। विटामिन होते हैं वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं, तो भाई हम इतना विटामिन कैसे खाएंगे, इतने सारे एक ही दिन में नहीं खाने होते हैं, आप रोज़ रोज़ अपने डाइट में इनको इंक्लूड कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन रोज़ आप अपनी मदर के साथ अपनी मामा को बता सकते हो कि मामा आज मुझे ग्रेप्स खाने हैं, है ना, आज मुझे आंवला खाना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, विटामिन सी मिल जाएगा, ठीक है। आप थोड़ी देर धूप में बैठिए, ठीक है, आप वॉक पे जाइए तो सुबह जो धूप होती है ना उससे विटामिन डी मिल जाएगा आपको, विटामिन ए जैसा कि मिल्क आपको पीना चाहिए, ठीक है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, तो इससे भी आपको क्या मिलेगा, विटामिन ए मिल जाएगा। तो आज हम ये पढ़ते हैं कि अलग अलग फूड आइटम्स होते हैं उनमें कौन कौन से विटामिन होते हैं और विटामिन्स को शामिल क्यों करना है। विटामिन्स को इसलिए शामिल करना है क्योंकि वो हमें बहुत सारी ताकत देते हैं। तो विटामिन्स जो होते हैं वो अलग अलग ग्रुप्स के होते हैं, जैसा कि देयर आल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और इसमें अलग अलग होता है, विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, विटामिन ई और के भी होता है। तो आर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन्स, यानी हमारी बॉडी है उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में सारे विटामिन्स चाहिए। अब हम ऐसा नहीं है कि सारे हम पूरे दिन एक ही विटामिन ए खाएं, नहीं, विटामिन ए भी खाओ, बी भी खाओ, तो सारी चीज़ें विटामिन सी भी खाओ। तो ए जो होता है बेटा, विटामिन ए जो होता है वो क्या होता है, पपाया है, कैरेट है ना, मैंगो है, ठीक है, मिल्क है, फिश ऑयल जो कॉड लीवर ऑयल होता है वो होता है, तो इनको खाने से हमारी आँखें और हमारी स्किन अच्छी रहेगी, ठीक है। तो आज से ही आप क्या करेंगे, आप अपने खाने में इसको ज़रूर शामिल करेंगे। विटामिन सी जो है वो बहुत सारी डिजीज से हमारी
हमारे बचाती है, यानी हमारी बॉडी को फाइट करती है. किससे? डिजीज से. जो बीमारियां आती है ना, उनके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है, यानी वो हमारे शरीर को हेल्प करती है. और विटामिन सी जो है वो तो हमें किस किस से मिलेगी? तो वो हमें मिलेगी ऑरेंज, यानी हमें ऑरेंज खाना ही है. टोमेटो है, गवावा है, ग्रीन चिलीज है ना, लामन है, आंवला है, यानी इनमें विटामिन सी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं. यानी खट्टी चीज़ें तो इंक्लूड करनी ही करनी चाहिए. ठीक है, अगर हम बात करें विटामिन डी, तो विटामिन डी होता है वो हमारे बॉडी में कैल्शियम को कंज्यूम करके रखता है, कैल्शियम को स्टोर करके रखता है. और जो हम कैल्शियम है ना, मम्मा जो दूध बनाती है हमारे लिए, वो क्यों बनाती है? ताकि हमारे बोन और टिथ स्ट्रांग हो जाए. और विटामिन डी होता है ना, वो उस कैल्शियम को यूज़ करता है और हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाता है. तो फूड दैट रिच इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिंस शो 1.6 to 1.9. अब जो मिनरल्स होते हैं वो भी हमारे शरीर के लिए उतने ही ज़रूरी हैं जितने की विटामिन है. अब ईच हैज़ इनिशियल, और सबकी अपनी अपनी ताकत होती है, अपनी अपनी क्वालिटी होती है. तो सो द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, अब अलग अलग शरीर को अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है. अब वो कैसे? फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी टू मेंटेन गुड हेल्थ, है ना, सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन. अब डिफरेंट मिनरल्स जो हैं वो आपको शोन करे हुए. अब जैसा कि अगर मैं बात करूँ कि हमारी बॉडी को विटामिन डी की ज़रूरत है, तो वो हमें कहाँ से मिलेगा? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सूर्य की रोशनी में. डॉक्टर बोलते हैं ना, बच्चे को सूर्य की रोशनी में बैठाओ, छोटे बच्चों को. क्यों? क्योंकि जो मामा उनको दूध पिलाती है, तो वो जो दूध होता है ना, वो दूध कंज्यूम, वो विटामिन डी उसको उसके शरीर में हेल्प करता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है और उसको यूज़ करता है, और उसके टिथ और उसके बोन्स जो होते हैं ना, वो उसकी वजह से हेल्प करता है. तो विटामिन डी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना. तो अब ये आप ये देखिए, जो खाना है हमारे शरीर में, जो न्यूट्रिशन है, अगर हम देखें तो हमें खाना कच्चा भी खाना चाहिए. ऐसा नहीं होता कि रोज पका के ही खाओ. कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम कच्चा भी खाना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर हम कहें कि कुछ चीज़ें हैं कि भाई आपको कच्ची खानी है, जैसे कि कैरेट है, ठीक है, आपको क्या खाना चाहिए? कैबेज खाना चाहिए, सैलड में यूज़ करना चाहिए, ठीक है. लेकिन अब जैसे कि राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन द न्यूट्रिशन. अब अगर हम राइस की बात करें तो उसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं. सो दस द राइस इज कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑफ फूड, यानी हम कार्बोहाइड्रेट अगर हमें खाना है तो हम क्या खा सकते हैं? अगर कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ज़रूरत है तो हम राइस खा सकते हैं, ठीक है. और अगर हमें न्यूट्रिशन अलग अलग ज़रूरत है तो हमें अलग अलग फाइबर वाली चीज़ें भी खानी चाहिए, जैसा कि डाइट्री फाइबर और नोन एज अ रफेज, यानी जो रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट इन आवर फूड, यानी जो हमें प्लांट्स होते हैं उनसे मिलते हैं. रेशे वाली चीज़ें हमें खानी चाहिए, जैसे कि होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पटेटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज, यानी जो हमारे अनाज होते हैं, मोटे अनाज जो होते हैं, दालें होती हैं, पटेटो है, वेजिटेबल्स हैं, इन सब में ये मिलता है. और रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशन टू आर बॉडी, डज नॉट, ये हमें कोई प्रोटीन या नहीं देता है, कोई ताकत न्यूट्रिशन नहीं दे रहा है, बट इट इज़ इनिशियल कॉम्पोनेंट आर बॉडी फूड बिकॉज एड्स टू इट्स बल्क. ये बल्क बड़ी मात्रा में हमारे शरीर में क्या होता है, ज़रूरत पड़ती है. क्यों? क्योंकि दिस हेल्प आवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ द अनडाइजेस्ट फूड, यानी हमारा जो अनडाइजेस्ट फूड होता है उसको बाहर निकालने में ये हमारी हेल्प करता है, ठीक है. ये तो हमें समझ में आ गई बात. अब ये देखिए, सम सोर्सेस ऑफ आयोडीन, आयोडीन यानी लुक एट दिस, जिंजर खानी चाहिए, ठीक है. फॉस्फोरस हमें किससे मिल जाएगा? ये प्रोटीन, आप ये देखिए, आयोडीन हमें फिश से भी मिल रहा है, स्पिनच से भी मिल रहा है, क्रैब से भी मिल रहा है, ठीक है. और साथ ही साथ में अगर हम बात करें फॉस्फोरस की, तो हमें क्या खाना चाहिए? बनाना खाना चाहिए, चिली, मिल्क, और हमें सिसमे सीड्स, इनको भी खाना चाहिए. सम सोर्सेस ऑफ आयरन, अब जो आयरन होता है वो वाली चीज़ें भी हमें खानी चाहिए. अब जो आयरन है वो लीफी वेजिटेबल्स में है, और साथ ही साथ एप्पल, एप्पल तो रोज़ एक एप्पल ले,
तो उससे भी आपको आयरन बहुत ज्यादा मिलेगा। और कैल्शियम है, एग, मिल्क, है ना, इनसे हमें कैल्शियम मिलता है। अब वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड। अब जो पानी है वो क्या करता है, न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व कर लेता है, और इट हेल्प इन द थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी एज ए यूरिन और स्वेट। और जो पानी होता है ना बेटा, उसको तो हमें यूज़ करना ही करना है, एटलीस्ट हमें 10 ग्लास तो कम से कम दिन में लेना ही होता है, क्योंकि जो वाटर होता है वो हमारे शरीर में न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करता है। बॉडी टू ऑब्जर्व न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड, जो हम खाना खाते हैं ना उसमें से ऑब्जर्व कर लेता है, सारे न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व कर लेता है पानी, और फिर क्या करता है, उनको यूज़ कर लेता है हमारी बॉडी के लिए, और जो कचरा होता है ना उसको वो बाहर निकाल देता है, जैसे कि यूरिन जब हम टॉयलेट करते हैं, स्वेट यानी हमें पसीना जब आता है तो वो सारा वेस्ट वाला हमारे शरीर से बाहर आ जाता है। सो नॉर्मली वी गेट मोर वाटर आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी, जैसा कि लिक्विड हम यूज़ करते हैं। लेकिन अब हमें कभी कभी क्या होता है, वी मस्ट ऐड वाटर टू कुक फूड, हमें खाना खा बनाते वक्त भी पानी की ज़रूरत होती है। तो आप ये देखिए, एक एक्टिविटी अगर हम देखें तो इसमें है कि फ्रूट लिया, जैसा कि लेमन ले लिया हमने, टमाटो ले लिया, और हमने बहुत छोटे छोटे पीसेस में उसको कट कर लिया। आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि आप अपने हाथ से इनको पील कर दीजिए, है ना, छील लीजिए और उसको मैश कर दीजिए या ग्रेट कर दीजिए, इनको छोटे छोटे पार्ट्स में यानी चूरा बना लीजिए। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर? तो जब आप उसको हाथों से ऐसे क्रश कर देते हैं या उसको मैश कर देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि खाने में पानी की मात्रा होती है? तो होती है, डू नॉट, और कुछ में नहीं होती है। वी सी दैट फूड मटेरियल देमसेल्फ कंटेन वाटर। और अगर पानी निकलता है किसी में से, जूस निकलता है, यानी उन वेजिटेबल्स में भी पानी होता है, तो वो पानी भी हमारे शरीर में बहुत हेल्प करता है। अब जो हमारे शरीर में पानी है वो कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं, एक तो हम पीते हैं खाना, एक हम जब खाना खाते हैं उसके साथ भी हमारे पानी जाता है ना। अब जो बैलेंस डाइट है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कोई ऐसी चीज़ जो बैलेंस है। अब बैलेंस यानी संतुलित आहार। अब संतुलित आहार हम कैसे ले सकते हैं? संतुलित आहार हम ले सकते हैं जो कि हमारी शरीर को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, हमें स्वस्थ रखने के लिए। उचित मात्रा में हम जो खाना लेते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कोई भी पोषक तत्व ना तो ज़्यादा हो और ना वो कम हो, यानी एक बैलेंस बना हुआ हो उसके अंदर, एक तालमेल बैठा हुआ हो। और अगर एक व्यक्ति के भोजन में वो सारी चीज़ें शामिल करते हैं हम, जो कि हमारे शरीर को बैलेंस बना के रखती है, तो द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, यानी वो खाना जिसमें कि क्या होता है, जिसमें कि रफेज होता है और साथ ही साथ में पानी होता है, तो वो खाना हम क्या कह देंगे, उसको हम बैलेंस डाइट का नाम दे देंगे। अब उसमें क्या होता है, अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन होता है, विटामिन्स होता है, और ये हमारे शरीर को, हेल्थ को बनाए रखते हैं। अगर हम ये चाहें तो हमें ये ज़रूर अपनाना चाहिए, टाइमली हमें हमारा खाना चाहिए, और बैलेंस डाइट को हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए। तो अब इसके लिए क्या है, इसके लिए हमें कुछ फिजिकल वर्क भी करना पड़ेगा, क्यों, अगर हम सिर्फ खाते ही खाते जाएँ तो हम बहुत फैटी हो जाएंगे। तो डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क, ये भी डिपेंड करता है, अगर हम फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा कम खाना चाहिए, ठीक है, ताकि वो हजम हो जाए। तो प्रिपेयर अ चाइल्ड चार्ट टू योर ईट, आप एक है ना, जैसे काम करने के लिए हम एक छोटा सा टाइम टेबल बनाते हैं ना पढ़ाई का, ठीक उसी तरीके से आप अपना एक डाइट चार्ट भी बना के रखिए कि आपको कौन से दिन कौन सी चीज़ खानी है, ताकि आपके शरीर में बैलेंस बना रहे। अब बैलेंस कैसे बने रहेगा, तो हमें पल्सेस, मामा बोलते हैं ना दाल तो हमेशा खानी चाहिए, है ना, ग्राउंड नट है, सोयाबीन है, ये सब हमें यूज़ करना चाहिए। अच्छा, सुबह सुबह उठते ही हमें क्या खाने चाहिए, स्प्राउट्स खाने चाहिए, जिसमें कि मूंग है, मोठ है ना, ये सब शामिल करना चाहिए। और फर्मेंटेड फूड, अच्छा फर्मेंट यानी जिसमें कि खमण उठता है ना, और खमण किस में उठता है, जो कि साउथ इंडियन फूड्स होते हैं, जैसे कि इडली है, सांभर है, ये भी हमें शामिल करना चाहिए। और मिस्सी रोटी,
जिसमें कि सारे ग्रीन्स शामिल होता है। थेपला होता है, ये खाना चाहिए, और बनाना, स्पिनच, सेतू, जैगरी जो गुड़ होता है, वेजिटेबल्स, अगर हम ये प्रॉपर अमाउंट में अगर हमारे खाने में शामिल करते हैं तो ये एक तरीके से बैलेंस डाइट का काम करता है और हमारे शरीर को ताकत देता रहता है। अब ये अगर हम खा लें तो हमारे शरीर में बैलेंस बना रहेगा, और साथ ही साथ में जो खाना हम खाते हैं इट्स अ राइट काइंड ऑफ फूड खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी अटरम शटरम खा लें, है ना, ऐसा होता है बच्चे कुछ भी जो भी हाथ आया वो खा लेते हैं। नहीं, हमें एक प्रॉपर अमाउंट में और प्रॉपर राइट काइंड ऑफ फूड चूज़ करना चाहिए खाने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए हमें एक छोटा सा चार्ट बना के रखना चाहिए। अगर न्यूट्रिशन है, अगर मैं बोलूं कि मुझे तो नहीं पता चल रहा कि मेरे को कौन सा न्यूट्रिशन कम खाने से मेरे अंदर कौन सी बीमारी हो जाएगी, या ये सारे न्यूट्रिशन तो मैम आपने बता दिए कि विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है ना, ये सब हमें खाने चाहिए, लेकिन अगर कभी मैं गलती से कोई चीज़ ना खाऊं तो मेरे अंदर कौन सी बीमारी हो जाएगी, और अगर मेरे को कोई बीमारी कोई चीज़ मैं नहीं खाता हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे ये बीमारी हो जाएगी, उसके लिए भी हमारे पास एक तरीका है। और वो तरीका है कि आज हम आपको बताएंगे कि राइट अमाउंट नहीं खाने से बहुत सारी बीमारियाँ भी हो जाती हैं। तो चलिए हम पहले देखते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि हमारी स्किन के लिए फ्रूट और वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, है ना, और हमें ये किस तरीके से खाना चाहिए, जैसा कि राइस है, बिफोर वी कुक हमें राइस को वॉश करना चाहिए, पल्सेस जो होती है ना उसको भी हमें भिगो के रखना चाहिए। क्यों भिगो के रखना चाहिए, क्योंकि उस पर अगर कोई केमिकल चढ़ा के रखते हैं तो वो केमिकल उतर जाता है, ठीक है। एंड वी नो अबाउट द कुकिंग इम्प्रूव्स टू टेस्ट फूड एंड मार्क इज इजियर टू डाइजेस्ट, और जैसा कि हम सबको पता है कि कुक्ड फूड खाने से वो जल्दी से क्या हो जाता है, जल्दी से डाइजेस्ट भी हो जाता है और वो टेस्टी भी लगता है। ठीक उसी तरीके से हमें मिनरल्स जो हैं, है ना, एक्सेस जो होते हैं, वाटर होता है, अगर हमें उसकी ज़रूरत है तो हमें क्या करना चाहिए, ड्यूरिंग द कुकिंग टाइम हमें जो पानी होता है ना, सब्जी वाला जो पानी बॉईल करते हैं, वो नहीं फेंकना चाहिए। क्यों, क्योंकि उस पानी में भी कुछ मिनरल्स चले जाते हैं, तो हमें बॉईल करी हुई जो सब्जियां पानी होता है ना, जिसको स्टू बोलते हैं, वो हमें नहीं फेंकना चाहिए। और विटामिन सी जो है वो भी डिस्ट्रॉय बाय द हीटिंग ड्यूरिंग कुकर, यानी अगर हमने कुक्ड किया है खाना, ठीक है, और हमने विटामिन सी यानी खट्टी चीज़ें डाली हैं, तो वो क्या होती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्या डिस्ट्रॉय हो जाती है, जैसे ही वो कुक होती हैं उनकी सारी ताकत ख़त्म हो जाती है। तो वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट, इसलिए हम बोलते हैं कि हमें जो खट्टी चीज़ें होती हैं वो कच्ची खानी चाहिए, या फिर हमें नींबू पानी पीना चाहिए, ठीक है, जो चिल्ली है वो खानी चाहिए, बनाना है वो खाना चाहिए, गवावा है वो खाना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बताएं आपको कि आपको डेफिशिएंसी डिजीज़, अब डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती है, बिफोर वी डेफिशिएंसी डिजीज़ ओबेसिटी पढ़ते हैं। ओबेसिटी क्या होता है, जिसमें कि हमने प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खाया है ना, और फिर हमें सफरिंग करना पड़ता है, हमें बीमार हो जाना पड़ता है, जो कि रिच फूड नहीं खाते हैं ना, पेट निकल जाता है लोगों का, है ना, हार्मफुल होते हैं ये हमारे, तली हुई चीज़ें, ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खाने से भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है, जैसा कि हम बहुत देर से बोल रहे हैं कि हम आपको डेफिशिएंसी डिजीज़ पढ़ाएंगे, यानी डेफिशिएंसी डिजीज़ वो है कि एक राइट अमाउंट में खाना ना खाना, जैसा कि एक व्यक्ति भोजन में वो सारी चीज़ें शामिल नहीं करता है जिसकी उसको ज़रूरत है, और यदि ये लॉन्ग टर्म में होता है ना, तो लॉन्ग टर्म में अगर वो नीड्स, वो रिक्वायरमेंट पूरी ना करी जाए तो उसे डिफिशेंसी डिजीज़ हो जाती है। जैसा कि अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट, यानी उसके पास खाने के लिए कोई कमी नहीं है, बहुत खाना है उसके पास में, लेकिन वो राइट अमाउंट में नहीं खा रहा है, या उसके खाने में किसी चीज़ की कमी है, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन जो होना चाहिए उसके बॉडी में उसके कहीं ना कहीं कमी है, तो वो व्यक्ति डिफिशेंसी से सफ़र करेगा, जैसा कि डिसऑर्डर उसके शरीर में दिखने लग जाएगा। और लैक ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है, अगर मैं कहूँ कि न्यूट्रिशन की बहुत दिनों से उसके शरीर में कमी है, तो उसको डेफिशिएंसी डिजीज़
ऑटोमेटिकली हो जाएगी. और वो क्या होगा, वो पर्सन डिड नॉट इनफ प्रोटीन. अब आप ध्यान से सुनिए बच्चों, आपके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप प्रोटीन शामिल नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपके शरीर में ग्रोथ रुक सकती है, ठीक है. और आपका जो चेहरा है वो स्वेलिंग ऑफ फेस, आपके चेहरे में सूजन आ जाएगी अगर आप प्रोटीन नहीं खाएंगे तो. और स्टंटेड ग्रोथ यानी आपकी जो ग्रोथ है शरीर की वो रुक जाएगी, आपके शरीर में रुकावट आ जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा. और डिकलरेशन ऑफ हेयर, आपके बाल जो है ना उनका कलर थोड़ा सा ऊपर से लाइट हो जाएगा. आपकी जो स्किन है ना वो कैसे हो जाएगी, आपकी स्किन में रूखापन आ जाएगा. यानी अब आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की ज़रूरत है. और कौन से न्यूट्रिशन, यानी प्रोटीन. और प्रोटीन कैसे मिलेगा, प्रोटीन आपको डेयरी प्रोडक्ट से बहुत अच्छे से मिल जाएगा, मीट में मिल जाएगा, अंडे में मिल जाएगा, दूध में मिलेगा आपको, है ना. और साथ ही साथ में अगर आपको कॉड लीवर खाने का है, फिश ऑयल जो होता है उसमें भी ये मिलता है. तो अब डाइट जो है वो आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, अगर बहुत दिनों से आप नहीं खा रहे हैं, ठीक है, अगर आपने अपनी डाइट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कम कर दिया है तो आपकी जो रुकावट है शरीर की वो परमानेंटली कम्प्लीटली हो जाएगी. यानी आपका शरीर क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली आपके शरीर की रुकावट हो जाएगी. इट्स मे स्टॉप कम्प्लीटली. सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लेन एंड थिन, बहुत दुबला पतला हो जाएगा, कुपोषण का शिकार हो जाएगा. और अब क्या होगा, दे डिड नॉट इवन बी एबल टू मूव, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी नहीं कर पाएगा, इतनी उसमें वीकनेस आ जाएगी. अगर हम बात करें विटामिंस और मिनरल्स की, तो इसके भी कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, इसी से भी डिजीजेज होती हैं. और ये डिजीजेज जो होती हैं अगर ये हो जाएंगी तो हमारे शरीर की ग्रोथ रुक जाएगी. हाँ, इसलिए हमें बोलते हैं कि आप यू शुड टेक अ बैलेंस डाइट, यानी आपको एक बैलेंस डाइट लेनी ही चाहिए. सो ओवरऑल हमने आज जो भी पढ़ा इस चैप्टर में कि फूड कैसा होता है और फूड को किस किस चीज़ को उसमें इंक्लूड करना चाहिए, ये सब आज हमने पढ़ा. अब जो सम डिजीजेज अगर हम बात करें, तो डिजीजेज जो हैं डिसऑर्डर हैं, तो कौन से विटामिन को नहीं खाने से कौन कौन से डिफिशेंसी डिजीजेज हो सकती हैं और उनके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं. तो यू शुड लर्न ऑल दिस, क्योंकि ये कभी भी आपको एग्जाम में टीचर पूछ सकता है कि भाई विटामिन ए है उससे क्या होता है, जो डिफिशेंसी डिजीज क्या होती है, तो लूज ऑफ विजन, यानी हमारा जो विटामिन ए अगर हमने कम खाया तो विजन में तकलीफ हो सकती है, हमें दिखने में कमी हो सकती है. और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, पुअर विजन हो जाता है, दिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लूज ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में तो बिल्कुल नहीं दिखेगा हमें, और समटाइम्स कम्प्लीट लूज ऑफ विजन, और कभी कभी तो कम्प्लीटली दिखना बंद हो जाता है. और विटामिन B1 है, इससे बेरीबेरी होता है, और बेरीबेरी यानी हमारे मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, तो हमें इसका भी ध्यान रखना है. अब विटामिन सी जो है उससे बेटा स्कर्वी होता है, और स्कर्वी जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हमारे शरीर में हमारे जो दांत हैं, हमारे जो गम्स हैं, उनमें क्या हो जाएगा, ब्लडिंग आने शुरू हो जाएंगी, उनमें घाव होने शुरू हो जाएंगे, और ये बहुत दिनों तक भरेंगे नहीं, हमारे मुँह में से बदबू आने लग जाती है विटामिन सी की कमी की वजह से. यानी हमें खट्टी चीज़ें हमारे डाइट में शामिल करनी ही चाहिए. विटामिन डी जो है उससे रैकेट्स हो जाते हैं, रैकेट्स यानी कि हमारे जो बोन्स हो जाते हैं वो बिकम सॉफ्ट एंड बैंड, यानी वो इजीली बैंड होने लग जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, और हमें खड़े होने में प्रॉब्लम होती है. कैल्शियम क्या होता है, बोन और टिथ यानी टूथ दोनों के लिए हमारे ज़रूरी होते हैं, लेकिन अब वो क्या हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, और उनके कमज़ोर होने से क्या होता है, उनके टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. आयोडीन जो है उससे क्या हो जाएगा, कमी से गॉइटर, जो कि पहाड़ी प्रदेशों में ज़्यादा होता है, जहाँ पे कि नमक कम खाते हैं वो लोग उनके डाइट में, तो उनके डाइट में अगर ऐसा कम होता है तो उनको एक ग्लैंड होता है इन द नेक, यानी उनके गर्दन के गर्दन पर एक गांठ जैसा हो जाता है, स्वेलन सूजन आ जाती है. और ये अधिकतर क्या करते हैं, मेंटल जो डिसेबिलिटी आ जाती है बच्चे के अंदर अगर आपको गॉइटर हो जाता है, जिसको कि गेंगा भी हिंदी में बोलते हैं.
आयोडीन जो है, आयरन जो है बेटा, आयरन वाला चीज़ें भी हमें खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये चीज़ टाइमली नहीं खाते हैं तो हमें एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया यानी खून की कमी हो जाएगी और उसकी वजह से हमारे शरीर में वीकनेस भी आ जाती है। तो जैसा कि डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा, हमारी मील का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा कि किस तरीके से हमें खाने में कौन कौन से इंटीग्रेट्स हैं वो शामिल करने चाहिए और इनको शामिल करने की वजह से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है। तो ओवरऑल यही चीज़ है कि हमें हमारे खाने में न्यूट्रिशन जो है वो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स हैं, विटामिंस हैं, मिनरल्स हैं, इन सबको हमारी बॉडी में हमें शामिल करना चाहिए, इन सबको हमारे फूड आइटम्स में हमें शामिल करना चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे एनर्जी गिविंग फूड होता है और प्रोटीन जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है और साथ ही साथ में हमारे बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। अब विटामिन जो है वो हमारी बॉडी को जो डिजीज होती है उससे प्रोटेक्ट करके रखता है। बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जो कि एक राइट अमाउंट में लेनी चाहिए हमें, राइट अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज जो फूड होता है और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, यानी हमें हमारी बॉडी में इनको शामिल करना ही होता है। और डेफिशिएंसी है वन और मोर न्यूट्रिशन अगर हमारे शरीर में बहुत लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड से अगर वो नहीं है तो उसकी वजह से भी हमारे शरीर में डेफिशिएंसी से डिजीज आ जाती है। और फिर इनको क्या करना चाहिए, इनको अगर डेफिशिएंसी डिजीज आ जाती है तो हमें डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए ताकि वो हमारी डेफिशिएंसी को रिकॉग्नाइज करे, वो हमारी डेफिशिएंसी को देखे, उनके सिम्टम्स पहचाने और फिर वो हमें उसके अकॉर्डिंग दवाई दे। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, इनमें से अगर आपको कहीं कुछ लगता है कि मेरे को मामा ये चीज़ लग रही है, तो आप अपनी मामा से ज़रूर बात करिए और ये सिम्टम्स जो हैं एटलीस्ट आपको ये लर्न होने चाहिए। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड डे।